लेटेस्ट खबरों को जानने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल तलरी अड्डा को और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अमिताभ बच्चन और ऋषि कपूर की फिल्म 102 नॉट आउट बॉक्स ऑफिस पर धूम मचा रही है। दर्शक से लेकर समीक्षक तक सभी इसकी तारीफ कर रहे हैं। अब इस फिल्म के मेकर्स और क्रू को एक और बड़ी खुशखबरी मिली है। खुद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के दफ्तर ने राष्ट्रपति भवन में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग रखने की मांग की है। फिल्म के निर्देशक उमेश शुक्ला ने कहा, किसी भी फिल्म मेकर के लिए ये गर्व की बात है कि उसकी फिल्म की स्क्रीनिंग राष्ट्रपति भवन में हो। मैं जानना चाहता हूँ कि उन्हें फिल्म कैसी लगी। राष्ट्रपति भवन में अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग पर ऋषि कपूर ने खुशी जाहिर करते हुए कहा, खुशी से ज्यादा ये सम्मान की बात है। फिल्म 102 नॉट आउट पिता और बेटे के रिश्ते की कहानी है। फिल्म में अमिताभ बच्चन ने 102 साल के पिता और ऋषि कपूर ने 75 साल के बेटे का किरदार निभाया है। भूषण कुमार ने फिल्म को प्रोड्यूस किया है। फिल्म 4 मई को रिलीज हुई। न्यूज रूम से फिल्मी अड्डा की रिपोर्ट।